तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत सारे अपकमिंग अपडेट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का बहुत सारे अपकमिंग अपडेट्स बताऊंगा। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज बताऊंगा हमारा नेक्स्ट दो इनक्यूबेटर क्या आने वाला है। एक XM8 का इनक्यूबेटर आने वाला है और एक बंडल का इनक्यूबेटर आने वाला है। बहुत ही बढ़िया बंडल और बहुत ही बढ़िया XM8 का इनक्यूबेटर आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं दो ही इनक्यूबेटर दिखा दूंगी। और फ्रेंड्स, मैं आज ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि आप लोगों को कैसे फ्री में स्कार्फ देखने के लिए मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को फ्री में स्कार्फ कैसे देखने के लिए मिलेगा ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक इवेंट्स के बारे में बताऊंगा जिस इवेंट्स में आप लोगों को 9999 डायमंड देखने के लिए मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वो इवेंट कैसे देखने को मिलने का वो भी आप लोगों को बताऊंगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको इलाइट पास के बारे में भी बता दूंगा डिटेल्स में कि बहुत लोग सोच रहे हैं, बहुत लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि इलाइट पास क्या आएगा डिस्काउंट में या नहीं आएगा। इलाइट पास डिस्काउंट में क्या आएगा या नहीं आएगा, अभी भी बहुत लोग कन्फ्यूज है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कन्फ्यूज का दूर कर दूंगा। क्या फ्री गैरिंदा ने क्या रिप्लाई दे, बोला जा रहा है कि गैरिंदा ने रिप्लाई दे तो क्या है, मैं वो भी आप लोगों को बता दूंगा। और फ्रेंड्स, फुल वीडियो को देख लेना, मैं इलाइट पास का डिस्काउंट आएगा या नहीं मैं फुल कन्फर्म आप लोगों को बता दूंगा आज। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देख लेना। अगर अभी तक मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। तो फ्रेंड्स, फ्री फायर का सारे अपकमिंग अपडेट्स आप लोगों को इस चैनल में देखने को लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना और वीडियो को एक जरूर लाइक कर देना। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस इनक्यूबेटर को देख सकते हो। ये इनक्यूबेटर हमारा नेक्स्ट इनक्यूबेटर होने वाला है। इसके बाद में XM8 के इनक्यूबेटर भी देखा दूंगा। तो आप लोगों को ये इनक्यूबेटर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना है। ब्रांड न्यू इनक्यूबेटर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, बोला जा रहा है यही इनक्यूबेटर आप लोगों को नेक्स्ट मिलेगा, इसके बाद XM8 का देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये इनक्यूबेटर कैसे देखने के लिए मिल रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताना और आप लोगों को इनक्यूबेटर कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक करके सारे बंडल दिखा देता हूं अब। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ए बंडल, ए फास्ट बंडल कैसे लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो ए बंडल आप लोगों 1 ब्लूप्रिंट के एक्सचेंज में देखने के लिए मिल सकता है। तो इसमें एक एक करके सारे बंडल दिखा दूंगी। तो इसमें से कौन सा बंडल आप लोगों को बेस्ट लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, बंडल वाला इनक्यूबेटर हमारे गेम में फास्ट आ सकते हैं। इसके बाद जो XM8 वाला इनक्यूबेटर वो आ सकते हैं, यही बोला जा रहा है, लेकिन कुछ चेंज हो सकते हैं। लेकिन ये बंडल वाला इनक्यूबेटर यही हमारा इसके बाद आएगा, फिर इसके बाद आप लोगों का XM8 इनक्यूबेटर देखने को लिए मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही हमारा उसका फीमेल वाला बंडल। तो यह बंडल आप लोगों ऐसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को इससे कौन सा बंडल सबसे बेस्ट लग रहा है आप लोग कमेंट बताना। मैं एक एक करके आप लोगों को सारे बंडल दिखा रहा हूँ। तो अभी बंडल बढ़िया है, तो इनक्यूबेटर बहुत ही बढ़िया इनक्यूबेटर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ए बंडल आप लोग देख लो, ए बंडल भी हमारे इसके बाद जो बंडल आता है। तो ए बंडल आप लोग कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये भी बंडल बढ़िया सा बंडल है, तो आप लोग ये बंडल कैसा लग रहा है मुझे ये भी बता देना। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरे वाला का फीमेल वाला बंडल है, ये बंडल आप लोग कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। इसमें से कौन सा बंडल बेस्ट लग रहा है आप लोग कमेंट में बताना। तो हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या है। ये होगा, तो फ्रेंड्स, ये होगा हमारे इनक्यूबेटर का एक नंबर बंडल है, इसमें 3 वाला। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये बंडल एक नंबर बंडल होगा, जिसमें आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताना। बहुत बढ़िया बंडल, तो आप लोगों को ये बंडल कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, ये बंडल वाला इनक्यूबेटर में आप लोगों को दिखा दे, ये हमारा फास्ट आने वाला है। इसके बाद हमारे XM8 का इनक्यूबेटर आ सकता है। तो हम लोग XM8 इनक्यूबेटर को आप लोगों को दिखा दे। तो हमारे XM8 इनक्यूबेटर क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, XM8 का आप लोग फास्ट स्क्रीन देख सकते हो। इसके नीचे जो लिखा है ना भेल दे दिस, इसके मतलब रेट ऑफ फायर हो सकता है। तो इसके मतलब रेट ऑफ फायर डबल प्लस देखने के लिए मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ एक्टिविस्ट के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि एक्टिविस्ट चेंज हो सकते हैं, तो अगर एक्टिविस्ट का भी कोई कन्फर्म न्यूज़ मिलता है तो मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, XM8 का इनक्यूबेटर आप लोग कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये दूसरा वाला, तो आप लोग XM8 इनक्यूबेटर कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, बोला जा रहा है कि XM8 से एक XM8 होगा सबसे बेस्ट XM8। अभी तक गेम में जितने भी XM8 है उससे भी सबसे बेस्ट XM8 इससे ही कोई एक होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें कौन सा क्या एक्टिविस्ट होगा बाद में पता चलेगा। तो आप लोग आप देख लो स्क्रीन को, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताना। मुझे तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, XM8 का इनक्यूबेटर बहुत ही बढ़िया होने वाला है एंड इसमें से एक XM8 बहुत ही बेस्ट XM8 होने वाला है हमारा। तो आप लोग के XM8 इनक्यूबेटर से XM8 लोगे आप लोग कमेंट में जरूर बताना और आप लोगों को XM8 का इनक्यूबेटर कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, फास्ट हमारा बंडल वाला इनक्यूबेटर आ सकता है, उसके बाद XM8 इनक्यूबेटर आने का चांस है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दें अगर कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, अगर गैरिंदा कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को फास्ट बंडल वाला इनक्यूबेटर देखने को मिल सकते हैं, उसके बाद XM8 इनक्यूबेटर देखने का चांस सबसे ज़्यादा है। तो हम लोग बात करते हैं हमारा नेक्स्ट अपडेट की। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट इवेंट है जो हमारा क्वीन बॉक्सर का बंडल। तो फ्रेंड्स, अब बाहर के साइड में ए इवेंट आया है, तो हमारे साइड में ए इवेंट आ सकता है जिसमें आप लोगों को क्वीन बॉक्सर का बंडल देखने को मिलेगा और 9999 डायमंड भी देखने को मिलेगा। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 9999 डायमंड है ना,
एक डायमंड आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है जिसका लक सबसे ज़्यादा होगा वही को इसको वही को डायमंड मिलेगा। लेकिन आपको पता ही होगा कि गैरिना ने एक डायमंड नहीं देगा, 9999 फ्रेंड्स डायमंड कम नहीं होता, जिसको मिलेगा वो तो एकदम क्या बोलूँ यार। तो फ्रेंड्स अगर ये इवेंट आता है और उस इवेंट में डायमंड वाला ऑफ सेक्शन भी देता है तो फ्रेंड्स आप लोगों को डायमंड मिलने का चांस बहुत ही कम है, क्योंकि आपको पता ही है कि इतना डायमंड नहीं देगा किसी भी इवेंट में किसी की स्पिन में। तो फ्रेंड्स आप लोगों को तो पता ही है, और जिसका लक ज़्यादा होगा उसका अगर मिल भी सकते हैं लेकिन मिलने का चांस बहुत ही कम है, आपके आपको भी पता है। तो फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इवेंट की तरफ। तो फ्रेंड्स बाहर की साइड में फेडेड व्हील आ रहा है, जिसमें आप लोग को एक बंडल देखने को मिल रहा है, एक एक गन स्किन देखने को लिए मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये हमारे साइड में जल्दी देखने को लिए मिल सकते हैं, हमारे फेडेड व्हील में देखने को लिए मिल सकते हैं, लेकिन बंडल चेंज हो सकता है और जो स्किन है गन का एक एक गन स्किन वो भी चेंज हो सकता है। और फ्रेंड्स आपको ये बंडल भी देखने को लिए मिल सकते हैं हमारे फेडेड व्हील में, लेकिन चेंज भी हो सकते हैं और वो जो एक एक गन स्किन है वो भी चेंज हो सकता है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट अपडेट है, आप लोगों को फ्री स्कार्फ देखने को लिए मिल सकते हैं एक इवेंट में। तो फ्रेंड्स आप लोगों को फ्री स्कार्फ कैसे देखने को लिए मिल सकते हैं, 100 बुया करने पर आप लोगों को फ्री स्कार्फ देखने को लिए मिल सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बाहर के साइड में एक इवेंट आ सकता है, जिसमें आप लोगों को 100 बुया करने के बाद आप लोगों को फ्री स्कार्फ देखने को लिए मिल सकता है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, तो फ्रेंड्स हमारे साइड में भी ये इवेंट आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, लेकिन आप लोग अगर ये इवेंट आता है तो आप लोगों को 100 बुया करने के बाद ये स्कार्फ फ्री में देखने को लिए मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ये बाहर की सर्वर का है, हमारे सर्वर में ये इवेंट आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन अगर आता है तो आप लोगों को फ्री में स्कार्फ देखने को लिए मिल जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो फ्रेंड्स अब मैं बता देता हूँ हमारे इलाइट पास के बारे में। तो फ्रेंड्स आप लोगों को इलाइट पास इस बार डिस्काउंट में देखने को लिए नहीं मिलेगा, एक कंफर्म न्यूज़ है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है इतने दिन हो गए हैं और एक दिन या दो दिन बाकी है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को इलाइट पास डिस्काउंट में देखने को लिए नहीं मिलेगा, एक कंफर्म है। तो आप लोग जो लोग बोल रहे थे कि इलाइट पास डिस्काउंट में आएगा या नहीं क्या कंफर्म हो, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ इलाइट पास इस बार डिस्काउंट में नहीं आएगा, एक कंफर्म है। क्योंकि बोला जा रहा है एक लीक निकल गई, एक न्यूज़ निकल गई है जो बोला जा रहा है कि हमारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर है वो लोग गिरने के साथ बात किया था हमारे डिस्काउंट के लिए, लेकिन उन्होंने बोला है क्या कि हमारे सर्वर में दो तीन महीने से डिस्काउंट दे रहा है, इसीलिए हमारे सर्वर में इस बार डिस्काउंट नहीं दे, और जो बाहर के सर्वर में उस सर्वर में बहुत दिनों से क्या डिस्काउंट नहीं आया है, और किसी किसी सर्वर में दो तीन महीने से भी डिस्काउंट नहीं आया है बाहर की। तो फ्रेंड्स उसी लिए बाहर के सर्वर में डिस्काउंट दिया जा रहा है, यही बोल रहा है, रिप्लाई दिया है गरीना ने। तो फ्रेंड्स ये मुझे कोई कन्फर्म नहीं है, लेकिन बोला जा रहा है जो न्यूज़ है यही बोल रहा है कि जो बात किया था, लेकिन यही गरीना ने रिप्लाई दिया है। तो फ्रेंड्स हमारे इसके बाद जो इलाइट पास आ रहे हैं ना, उस इलाइट पास को मुझे एकदम घटिया सा लग रहा है, मुझे एकदम से अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप लोगों को इलाइट पास कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, मेरे चैनल पर भी उसका वीडियो है। और फ्रेंड्स मैं ये भी बता देता हूँ कि हमारा जो ये जो डिस्काउंट नहीं दे रहा है ना, ये पहले से ही बोल देना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग इलाइट पास आप लेने जाओगे तो उसका बहुत भी ज़्यादा बुरा लगेगा कि इतना दिन रुक गया, अभी 500 डायमंड से इलाइट पास लेने जाओगे तो बहुत ही बुरा लगेगा। तो फ्रेंड्स ये पहले से ही बोल देना चाहिए था कि हमारे इस बार डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना। तो फ्रेंड्स फीडबैक के साथ अपकमिंग न्यूज़ मिल जाएगा आपको इस चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।